वेलकम माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, जो कि उड़ीसा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं कॉम्प्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर। देखो दोस्तों, ये है सॉल्व पेपर ऑफ स्टाफ नर्सिंग हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट। पहला जो क्वेश्चन है उसके साथ आंसर, द मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज, इसका आंसर क्या होगा, ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियास। ओके, मीन पैनक्रियास का सेल खुद ही सेल खुद को डाइजेस्ट करेगा। ओके, खुद के वजह से क्या होगा, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने का ज्यादा चांसेस है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर टू। ओके, व्हाट डज द नर्स मॉनिटर फॉर इन ए पेशेंट विद एक्यूट रेनल फेल्यूर। अगर एक पेशेंट को अगर एक्यूट रेनल फेल्यूर हुआ है तो नर्स क्या मॉनिटर करेगा। ओके, तो पहला चीज यहाँ पर जानना चाहिए एक नर्स को, एक्यूट रेनल फेल्यूर क्या होता है। एक्यूट रेनल फेल्यूर को हम एक्यूट किडनी इंजरी भी बोल सकते हैं। ओके, अगर 7 दिन तक अगर किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होगा, किडनी फंक्शन इम्पेयर होगा, लॉस होगा, उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी और एक्यूट रेनल फेल्योर बोलेंगे। इसमें क्या होगा, साइन सिम्टम फाटिगो होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट में। ओके, उसके बाद हेडेक होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, क्योंकि ब्लड में यूरिया लेवल ज्यादा हो जाएगा। ओके, ज्यादा यूरिया लेवल बढ़ जाएगा, जितना भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है ओके सब बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होने का चांसेस हमको देखने को मिला, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा और ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों नंबर थ्री में देखेंगे, नंबर थ्री में ये डिजीज कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ओके, ट्रिपोनिमा पैलिडियम के वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसका नाम है सिफिलिस। इसको जरूर याद रखो, एसटीडी और एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस किसके वजह से होता है, कौन सा वेक्टर वजह से, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। उसके बाद दोस्तों देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम। ओके, कुशिंग सिंड्रोम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है। ओके, ए लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, बी ऑब्जर्व फॉर हाइपोटेंशन, सी प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, डी रेस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इंटेक। तो कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है जरूर जानना चाहिए। ओके, कुशिंग सिंड्रोम को हम किसमें क्या होता है, जो शरीर में ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है। ओके, तो उसी टाइम जो सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। शरीर में अगर एक हार्मोन, जो हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल, अगर शरीर में अगर ब्लड में ज्यादा बढ़ के जाएगा तो उसको बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। इसको कभी कभार हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी बोला जाता है, हाइपर कोर्टिसोलिज्म। ओके, तो इसमें हमको जो हॉलमार्क साइन देखने को मिलेगा वो है बफालो हम देखने को मिलेगा और मून शेप्ड फेस देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल कोर्टिसोल लेवल कितना है, 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर डीएल। ओके, कोर्टिसोल जो बोला कोर्टिसोल, ओके, कोर्टिसोल का जो नॉर्मल रे है उसका नॉर्मल लेवल कितना है, 10 टू 20 माइक्रोग्राम एमसीजी पर डीएल होगा। ओके, तो सुबह में ज्यादा सिक्रेशन होता है, इसका लेवल ज्यादा होता है, और मिडनाइट में इसका लोएस्ट होता है, इसको जरूर याद रखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होगा नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन होगा, इसको जरूर याद रखें। उसके बाद देखेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल लीड टू राइट साइडेड हेमिप्लेजिया एंड अफाजिया। ओके, राइट साइडेड हेमिप्लेजिया एंड अफाजिया, ओके, मैंने बात भी नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या है, लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ओके, जो कि ए ऑप्शन है। ओके, तो ये हेमिप्लेजिया क्या होता है जरूर जानना चाहिए। इसमें क्या होता है, ब्रेन का डैमेज हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, शरीर का एक साइड में पैरालिसिस होने का ज्यादा चांसेस है। ओके, एक साइड पैरालिसिस हो जाएगा।
और ये क्या करता है, वीकनेस करेगा शरीर को, ओके, मीन मसल कंट्रोल में प्रॉब्लम होगा, मसल टीप हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हमको राइट साइडेड हेमिप्लेजिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर सिक्स में, ओके, नंबर सिक्स में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड इन ए स्ट्रोक इन ए पेशेंट विद स्ट्रोक टू चेंज इन बॉडी इमेज, टू चेंज द इन बॉडी इमेज, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, डिप्रेशन, ओके, कॉमन रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विद स्ट्रोक। अगर एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो उसमें जो हम कॉमन एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या, रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, ओके, तो डिप्रेशन पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों नंबर सेवन, ये पेशेंट विद अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस मस्ट बी एडवाइज टू, ओके, अगर वो अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तो हमको क्या एडवाइस करना चाहिए, उसका स्मोकिंग और कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए बोला जाएगा। नंबर एट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर डूइंग नाजोट्रैकियल फंक्शनिंग ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट एक्टिविटी द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड, ओके, कैथेटर शुड बी इंसर्टेड, ओके, जब नाजोट्रैकियल सक्शनिंग करने जा रहे हैं, ओके, तो पेशेंट एक्टिविटी कौन सा करना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन में है स्वालोइंग, बी ऑप्शन में इनहेलिंग, सी ऑप्शन में एक्सहेलिंग, डी ऑप्शन में रेचिंग, तो आंसर इसका क्या होगा, इनहेलिंग करना चाहिए, ओके, इनहेलिंग। उसके बाद दोस्तों नंबर नाइन में देखें, द सिंपल मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ टासिस ऑफ पल्मोनरी सीक्रेशन इज, ओके, टासिस ऑफ पल्मोनरी सीक्रेशन का मतलब क्या होगा, क्या होता है, इसमें म्यूकस प्लगिंग हो जाता है, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस है, इन्फ्लामेशन होने का चांसेस है, और एयरवे का डैमेज होने का चांसेस है, इसीलिए टू आवर पोजिशन चेंज करना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे व्हाट इज सियानोसिस, सियानोसिस का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, इसको जरूर याद रखें, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ओके। उसके बाद देखेंगे नंबर 11 क्वेश्चन, ओके, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज डिनोटेड एज प्रीनाटल, जिस दिन से कंसेप्शन हुआ, जिस दिन से फर्टिलाइज होके ऑलरेडी इम्प्लांट हो गया, उसी दिन से स्टार्ट करके बर्थ होने तक टाइम को हमको प्रीनाटल पीरियड बोलना है, वो पीरियड को हमको क्या डिनोटेट करना है, प्रीनाटल पीरियड डिनोट करना है। उसके बाद दोस्तों नंबर 12 में देखेंगे, रोल ऑफ नर्सिंग इज हैविंग सर्च ऑफ समबडी सेल व्हिच विजन इज दिस बोनस नाइटिंगेल, ओके, रोल ऑफ नर्सिंग और रोल ऑफ नर्स बोलते हैं, ओके, हैविंग सर्च ऑफ समबडीज हेल्थ व्हिच विजन इज दिस, ये फॉरेस्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल का विजन था। उसके बाद देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज कोरेस्पोंड टू इन्फेंसी, इन्फेंसी का जो, ओके, डेवलपमेंटल स्टेज है कौन सा कोरेस्पोंडेंस करता है, ए ऑप्शन में स्ट्रॉस वर्सेस मिस्ट्रॉस, ऑटोनोमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रॉस वर्सेस मिस्ट्रॉस होगा। उसके बाद 20 में देखेंगे हु प्रपोज द नर्सिंग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, ओके, कौन प्रपोज किए थे नर्सिंग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, ओके, डोरोथिया ओरेम, ओके, डोरोथिया ओरेम इसको प्रपोज किए थे नर्सिंग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, ओके। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 15 में, द हेड सर्कुमफेरेंस ऑफ ए नॉर्मल इन्फेंट इज, ओके, नॉर्मल इन्फेंट का हेड सर्कुमफेरेंस कितना होगा, 33-35 सेंटीमीटर है, इसको जरूर याद रखें। उसके बाद 16 में देखेंगे द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में जो लीडिंग कॉज है डेथ का क्या है, वो एक्सीडेंट के वजह से ज्यादा डेथ होता है। उसके बाद नंबर 17 में देखेंगे द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट ऑर्गन डोनेशन इज सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, ओके, अगर ब्रेन का अगर फंक्शन बंद हो गया तो उसको बोलेंगे हम डेथ, बोलेंगे टू टाइप का डेथ होता है, एक तो क्लिनिकल डेथ और एक तो बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में क्या होता है, शरीर का जो सेल है उसका डेथ होने लगता है, और बायोलॉजिकल डेथ जो होता है वो ब्रेन सेल का डेथ होने लगता है, क्योंकि इसीलिए सीपीआर इनिशिएट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 18 में,
द बॉडी टेम्परेचर एट विच टिश्यू एंड सेल कैन बेस्ट फंक्शन ओके मीन कौन सा टेम्परेचर में शरीर का टिश्यू और सेल अच्छा काम करेगा बेस्ट फंक्शन करेगा वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसको जरूर याद रखिए मेन है पे हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट ओके मीन आदमी में ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसका कारण क्या है बिकॉज दे आर बॉडी कंटेंट मोर टेस्टोस्टेरोन ओके ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होने के हार्मोन होने की वजह से ओके मीन आदमियों में ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसके बाद 20 में देखेंगे द मैकेनिज्म बाय व्हिच बॉडी लॉसेस हिट टू द एनवायरनमेंट ओके एक तो मैकेनिज्म है जिसमें कि शरीर का हीट लॉस होगा एनवायरनमेंट को विदाउट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ओके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने वजह से भी क्या होगा ओके इसमें हीट लॉस होगा तो उसको हम क्या बोलना है रेडिएशन क्या बोलना है दोस्तों उसको रेडिएशन बोलना है थैंक यू फॉर योर अटेंशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए थैंक यू वेरी मच